रिश्तों और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बंडा थाना अंतर्गत ग्राम बेरखेड़ी के सामने आई है। घटना में दिनांक 14/3/2019 को एक नाबालिग की लाश ग्राम बेरखेड़ी के मोजा हार में मिली थी। इस घटना में पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने जांच में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बंडा थाना क्षेत्र के ग्राम बेरखेड़ी में पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ की तो जो सामने आया वो काफी हैरान करने वाला था। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी और अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने इस मामले को विरलतम श्रेणी का माना है। इस घटना में आरोपी अभियोक्त्री के सगे भाई और सगे चाचा थे, जिनको अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने सिद्ध दोष पाते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई। बता दें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को थाना बंडा में फरियादी द्वारा उसकी नाबालिग बच्ची को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले जाने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए तलाश की तो बेरखेड़ी मोजाहार से उक्त नाबालिग की लाश बरामद की गई, जिसके धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई और घटना स्थल से करीब 45 फीट की दूरी पर मृतिका का सर पड़ा हुआ था। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की गई है। नाबालिग से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में पुलिस की विवेचना के बाद जो आरोपी सामने आए हैं वह एक अभियुक्त्री के सगे दो भाई और सगा चाचा निकला। जन्म से दो भाई नाबालिग है, जिनमें से दो भाई नाबालिग थे। 22 मार्च पूर्व ग्राम बेड़खेड़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके चाचा और भाई ने बलात्कार कर हत्या की थी और उसके खिलाफ माननीय विचार न्यायालय द्वारा एक लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी 22 माह में ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिससे समाज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई थी और माननीय विद्वान न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया है बहुत ही न्यायप्रिय है और इससे अपराधियों में भय पैदा होगा और एक न्याय के प्रति लोगों की जागृति होगी कि न्यायालय में सचमुच में देवता बैठते हैं और यहाँ न्याय होता है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण को विरले से विरलतम श्रेणी में माना गया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए मृत्युदंड से दंडित किया गया। इस मामले में कुल 5 आरोपी थे। आरोपी रामप्रसाद, बंसीलाल, सुशीला बाई, दो नाबालिग थे, जिनका जो केस मामला जो है जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। आज दिनांक को आरोपी रामप्रसाद और बंसीलाल को माननीय न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा दी गई और सुशीला बाई को दोषमुक्त किया गया।